Students, this is part 3 of polynomial. In this video we will see some example of polynomial. Okay, then first of all in the previous video we classify the polynomial and there we read what polynomials, classification of polynomials with respect to variable term and degree. Okay, and now we also we study about some special type of polynomial. Okay, then first is what, if degree is zero. Okay, if degree is zero, okay, then it is what, constant polynomial. ठीक है, constant polynomial होगा. ठीक है ना, अगर डिग्री क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. ये स्पेशल टाइप का है. ठीक है ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना, तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, सेवन बाई थ्री हो जाएगा, पाई हो जाएगा. ये सारा एग्जाम्पल क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का. एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे फाइव को इसके पहले लिखे थे ना, क्या 5 इंटू वन एंड 5 इंटू एक्स टू दावर 0. उसी तरह पाई को भी क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू वट वाई टू दावर 0, जेड टू दावर 0, 7 बाई 3 को भी जेड टू दावर 0. इसके बाद क्या एक और है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही टाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है ना, क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल. और इसका एक ही एग्जाम्पल है, वो क्या है, तो जीरो होता है. ठीक है ना, जीरो इज कॉल्ड व्हाट, जीरो पॉलिनोमियल, या फिर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विच इज जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है. इसके बाद से एक चीज और जान लेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल को अगर डिनोट करना हो तो px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, px से डिनोट कर सकते हैं, या फिर जी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, क्यू एक्स से, आर एक्स से. ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारे पास इसमें वेरिएबल है उसी से हम लोग इसको डिनोट करेंगे. अगर इसको जैसे क्या, अगर कोई वेरिएबल, कोई पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, वाई वेरिएबल में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पी वाई इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई आर वाई ए वाई, ऐसे करके हम किसी तरह भी इसको मतलब की डिनोट करते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पी एक्स है, एक्स वाई है, उसी तरह अगर p z में है तो इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 z स्क्वायर प्लस 4 z माइनस 5. ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल हो गया. अब आते हैं कुछ एग्जांपल जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे क्या, फर्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 2x. अगर बोले क्या कि ये मतलब रिकॉग्नाइज करना है किस टाइप का पॉलिनोमियल है. ठीक है, कि अगर वहां पे जैसे आपसे पूछे वैसे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पे कौन सा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसके बाद से अगर विद रिस्पेक्ट टू टर्म तो कौन सा है, ट्राइनोमियल है. ठीक है, कौन सा है, ट्राइनोमियल है. उसी तरह इसके बारे में भी क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल और क्या है, तो आपका क्वाड्रेटिक है. ठीक है, अगर ऐसा एग्जांपल आ जाए x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 100 प्लस 3, तो ये कौन सा है, अगर विद रिस्पेक्ट टू डिग्री पूछे तो विद रिस्पेक्ट टू डिग्री क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल विद डिग्री क्या चीज, 100. इस तरह भी बोल सकते हैं, या फिर अगर जैसे मान लेते हैं क्या, इसको भी क्या बोल सकते थे, पॉलिनोमियल विथ डिग्री क्या 2, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, या फिर इसका स्पेशल नेम हो गया है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक. अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म का है तो ट्राइनोमियल, 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 ये भी ट्राइनोमियल. ठीक है ना, अगर x टू द पावर 50 प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टर्म एंड विद रिस्पेक्ट टू डिग्री क्या, तो 50. पॉलिनोमियल विद डिग्री क्या चीज, 50. अगर एग्जाम्पल आ जाए आपको लिखने के लिए, क्या राइट है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल विद बाइनोमियल. ठीक है ना, बाइनोमियल विथ डिग्री क्या चीज, विथ डिग्री 99. क्या चीज, विथ डिग्री 99. तो क्या करेंगे, y टू द पावर 99
ये तो आपका क्या हो गया, एक मोनोमियल हो जाएगा। इसमें कुछ आइडिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3/5 कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो बाइनोमियल हो गया विथ डिग्री कितना, तो 99। तो इस तरह का कुछ एग्जांपल होगा और आप लोगों को करना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब और भी है बहुत सारा क्वेश्चन जिसको आप लोग बुक में सॉल्व करेंगे, और एंड आई होप दैट यू लर्न वेरी इजिली दिस टॉपिक, एंड आफ्टर दिस वी विल स्टडी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।